नमस्कार, स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में। मैं हूँ किरण। यूपी के कानपुर में इंडियन फुटवेयर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन भारत में जूता निर्माताओं की एक व्यापारिक संस्था है। बीते 15 से 20 सालों में IFCOMA द्वारा कई बार सफलता का परचम लहराने के साथ साथ हजारों लाखों लोगों के लिए रोजी रोटी का एक माध्यम भी बना हुआ है। यही नहीं, ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय मेले में भी भाग लेती है और भारत के विभिन्न फुटवेयर निर्माण करने वाले शहरों में क्रेता और विक्रेता सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन भी करती है। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यापार और उद्योग के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाई जाए। इससे पहले भी ये संस्था उत्पादन केंद्रों में करीब 40 क्षेत्रों से अधिक जगहों पर ये आयोजन कर चुकी है। आज भी इसी कड़ी में इस संस्था द्वारा क्रेता विक्रेता सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों क्रेता और विक्रेताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जी, ऐसा है कि ये इंडियन फुटवेयर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है, ये बहुत पुरानी संस्था है और ये हम सभी शहरों में, जैसे कानपुर, आगरा, दिल्ली, मुंबई, आपके चेन्नई, इस तरह कई शहरों में हम लोग ये प्रदर्शनी आयोजित करते रहते हैं और ये हमारी 12वां संस्करण है कानपुर में। और कानपुर एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट का एक हब है, जहाँ पे कि इस तरह की प्रदर्शनी होते ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है कि उनको नए नए तरह के कंपोनेंट्स मिलते रहें, क्योंकि उनको शू, जूता उन्हें बनाना होता है और आजकल सेफ्टी शू का भी बहुत प्रचलन है। तो वो ये जो कोरोना जो हुआ उसके बाद से ये सेफ्टी शू की डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है वर्ल्ड ओवर। तो इसलिए हम ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि ताकि हम लोगों को, यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको हम इसकी इन्फॉर्मेशन हम दे सकें, उनको नए नए प्रोडक्ट्स और नई नई मशीनरी जो आ गई हैं उनके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो और उनका प्रोडक्शन में उनकी इम्प्रूवमेंट हो, क्वालिटी में और अच्छा फ़ायदा होगा उसमें। अपने शहर से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।